चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा इंजीनियर में नंबर नहीं पड़ा, उन्होंने रिजल्ट अपना चेक किया और उनको यहाँ पर सीट नहीं मिली, वो स्टूडेंट क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दो काउंसलिंग करवाई है ऑनलाइन, फर्स्ट और सेकेंड। अगर आपका उसमें भी नंबर नहीं पड़ा है तो आप क्या करेंगे, सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका किसी भी पॉलिटेक्निकल में नंबर नहीं पड़ा, हरियाणा की जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, आपने किसी में भी अप्लाई किया है, कोई भी ट्रेड आपने चूज़ किया, उसको लॉक किया है और आपको वो ट्रेड नहीं मिली है, दो काउंसलिंग हो चुकी है ऑनलाइन, तीसरी काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन नहीं होगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर दो ही काउंसलिंग ऑनलाइन करवाई थी, अगर आपने टेंथ बेस पे किया या फिर आपने लैटरल एंट्री प्लस टू बेस पे किया है। तो दोस्तों आपकी दो काउंसलिंग हो चुकी है, अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है, आगे दोस्तों आपकी होगी ओपन काउंसलिंग, ये होगी आपके कॉलेज में, यानी कि जितनी टेक्निकल डिपार्टमेंट ने काउंसलिंग करवानी थी, जितनी भी सीट फिलअप करवानी थी वो हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सीट बच जाती हैं, यानी कि किसी ने सीट ले ली और वो नहीं आया, वो किसी भी कारण से उन्हें वो सीट छोड़ दी, तो यहाँ पर ओपन काउंसलिंग होती है हर कॉलेज में। अब यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ओपन काउंसलिंग में जाना चाहते हो, तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है वो आप वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा कि उस पॉलिटेक्निकल की ओपन काउंसलिंग कब होगी। अब हरियाणा में काफ़ी सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है और हर पॉलिटेक्निकल की, यानी एवरी पॉलिटेक्निकल की ओपन काउंसलिंग डेट जो है अलग अलग होगी उनके कॉलेज के हिसाब से। आपको वहाँ पर जाके विजिट करना है और वहाँ पर आपको जाकर पूछना है कि यहाँ पर ओपन काउंसलिंग, यानी कि आपको वहाँ पर एक डिपार्टमेंट मिलेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पर जाकर आपको पूछना है कि वहाँ पर ओपन काउंसलिंग कब होगी उस कॉलेज में। और साथ में आपको ये भी पूछ लेना है, या तो आपको वेबसाइट पे नंबर मिल जाएगा जो भी पॉलिटेक्निकल आप जिस भी पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनकी साइट पर जाकर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर विजिट करिए और ओपन काउंसलिंग के बारे में पूछ कर आइए। और साथ में एक आपको पूछना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाने होंगे ओपन काउंसलिंग के लिए, क्या पता आप ओपन काउंसलिंग चले जाएं और आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो, फिर आपको वापस आना पड़े निराश होकर। तो इसलिए मेरा आपके सजेशन है कि सारा इन्फॉर्मेशन एक बार आप देख लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर जाइए और अपना जो डाउट है वो क्लियर करके आइए। और साथ में आपका जो रैंक है उसके हिसाब से भी आप पूछ सकते हैं क्या सर नंबर पड़ जाएगा नहीं इन फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये था सारा इन्फॉर्मेशन कि अब आपकी सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट सेकंड खत्म हो चुकी है, अब चलेगी आपकी ओपन काउंसलिंग। ये छोटा सा अपडेट मुझे मिला है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।